हरियाणा कांग्रेस ने यह साफ कर दिया है कि वो आने वाले लोकसभा चुनावों में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और आम आदमी पार्टी के साथ अगर सीट बंटवारा करना है तो इसका कोई आधार ही नहीं है। ऐसा क्यों कहा गया, क्या है पूरा माजरा, आइए देखते हैं बिग न्यूज बिग शो की पहली बिग रिपोर्ट में। ...2024 में देश में आम चुनाव होने हैं और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष दलों ने एकजुट होने की ताल ठोक दी है। इंडिया गठबंधन बनाकर विपक्ष ने बड़ा ऐलान किया है और चुनाव के लिए एजेंडा तैयार किया जा रहा है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला नहीं बन पा रहा है और फॉर्मूला बनने से पहले आपसी मतभेद भी सामने आ रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि वो सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ऐसा ऐलान कांग्रेस के दिग्गज नेता और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। इसका जो होगा आम आदमी पार्टी का आदमपुर में लड़ी थी, आदमपुर आम आदमी जमानत भी नहीं बची, सीट का क्लेम करने का भी आधार होना चाहिए। खैर वो बात की बातें हैं, लेकिन शुरुआत अच्छी है। सवाल इस बात का नहीं है, उनको परहेज है नहीं किसको परहेज है, जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, कांग्रेस स्वयं में सक्षम है। 10 की 10 सीट पत्रकारों से रूबरू हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि गठबंधन में सीट मांगने के लिए कोई आधार होना चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी के पास कोई आधार नहीं है। हुड्डा ने कहा कि आदमपुर उपचुनाव में आपकी जमानत जब्त हो गई थी, इसलिए उसे लोकसभा चुनाव में सीट देने का कोई मतलब नहीं बनता। जमानत भी नहीं बची, सीट का क्लेम करने का भी आधार होना चाहिए। खैर वो बात की बातें हैं, लेकिन शुरुआत अच्छी है। सवाल इस बात का नहीं है, उनको परहेज है नहीं किसको परहेज है, जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, कांग्रेस स्वयं में सक्षम है। 10 की 10 सीट कांग्रेस लड़ेगी, 10 की 10 सीट कांग्रेस लड़ेगी। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर पार्टी में गुटबाजी से इनकार किया है। कोई मत नहीं है बात, जो भी राजनीतिक दल है अगर मतलब उसमें हो ये तो ऊर्जा नहीं, मेरे कोई खिलाफ नहीं है, ये जो तुम्हारी तुम्हारी बनाई हुई कहानियां हैं, प्रजातंत्र है, कांग्रेस प्रजातांत्रिक पार्टी है, उसमें सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है, क्या इसमें है? काबिले गौर है कि दिल्ली कांग्रेस भी सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के मकसद को कहीं ना कहीं बट्टा लगते दिख रहा है और जरूरत है तो जल्द से जल्द सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार करने की। चंडीगढ़ से रवि चंदेल, सूर्या समाचार।